हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीएससी ई ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्यकालीन भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक तुगलक वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसके उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना चाहते हैं तो कृपया अंत समय तक इस वीडियो को अवश्य देखें। पहला प्रश्न है, द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज, अर्थात तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, फाउंडर तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। यह प्रश्न रेलवे और सीडीएस में आया हुआ है। इसके विकल्प हैं ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो दोस्तों, जो तुगलक वंश का संस्थापक है वो गयासुद्दीन तुगलक है। 1320 ईस्वी में इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी और गयासुद्दीन तुगलक का जो कार्यकाल है वो 1320 से 25 ईस्वी तक है। इसके बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने सत्ता संभाली थी। तो इसका आंसर होगा, जो फाउंडर थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। इन्होंने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की नींव रखी थी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, गयासुद्दीन तुगलक। मित्रों, अगला प्रश्न है, द रियल नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक वाज, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या है। यह प्रश्न IES 2001 में पूछा हुआ प्रश्न है कि गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन ए गाजी काफूर, ऑप्शन बी गाजी मलिक, ऑप्शन सी क्रौना तुर्क, ऑप्शन डी जफर खां। तो मित्रों, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम था गाजी मलिक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, वाइजेस्ट फूल वॉज नोन टू विच तुगलक किंग, बुद्धिमान मूर्ख किस तुगलक राजा को कहा जाता है। IAS 1990 में यह पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर वह तुगलक वंश का कौन सा राजा है जिसे बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो मित्रों, इसका आंसर होगा ए मोहम्मद बिन तुगलक। मित्रों, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है। इसने 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक इसने सत्ता संभाली थी। यह काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा और शिक्षित राजा था, लेकिन इसने कुछ ऐसे कार्य किए अपने कार्यकाल के दौरान जिसके कारण इसे वाइजेस्ट फूल कहा गया। जैसे इसने अभियान तो चलाए, लेकिन कई सारे अभियान इसने चलाए और उस सारे अभियान अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, इसीलिए इसे वाइजेस्ट फूल कहा जाता है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325-26 ईस्वी के दौरान इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था, दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे, लेकिन फिर दौलताबाद से दिल्ली लाया था। तो इसके अलावा फिर इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, फिर खुरासान अभियान, कई सारे अभियान किए थे जिनके उद्देश्यों में असफल रहा था। तो इसीलिए इसे वाइजेस्ट फूल कहा जाता है, क्योंकि यह बुद्धिमान तो था लेकिन इसके साथ साथ मूर्खता भरी कई सारे कार्य भी इन्होंने किए थे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, इल अस्टार्ड आइडियलिस्ट वॉज नोन टू विच रूलर, किस शासक को इल अस्टार्ड आइडियलिस्ट कहा जाता है। मतलब कि आदर्शवादी किंतु संकीपन भरे कार्यों के लिए किस शासक को जाना जाता है। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मित्रों, इसके पहले प्रश्न में भी यही सवाल था, लगभग वहाँ पूछा गया था वाइजेस्ट फूल, बुद्धिमान मूर्ख
और यहाँ पूछा जा रहा है आदर्शवादी किंतु सनकी भरे निर्णय लेने के लिए कौन सा शासक जाना जाता था, तो मित्रों इसका भी आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन के दरमियान कई सारे ऐसे कार्य किए थे जो कि एक बुद्धिमान शासक के नाते सही था, लेकिन चूंकि वे निर्णय जल्दीबाजी में लिए गए थे इसीलिए इसे संकीपन भरे निर्णय लेने के लिए भी जाना जाता है। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति में मोहम्मद बिन तुगलक सफल भी नहीं हो सका था, इसीलिए इसे आदर्शवादी किंतु संकीपन भरे कार्यों के लिए जाना जाने वाले शासक के रूप में इसे लोग जानते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है विच पर्सन डिस्क्राइब्ड मोहम्मद बिन तुगलक एज इल स्टार्ड आइडियलिस्ट, किस व्यक्ति ने मोहम्मद बिन तुगलक को आदर्शवादी किंतु संकीपन भरे कार्य के रूप में जाना जाने वाले व्यक्ति की संज्ञा दी। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा हुआ एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा कहा कि वह आदर्शवादी है, बुद्धिमान है किंतु संकीपन भरे कार्य करता है। विकल्प ए इब्न बतूता, विकल्प बी मलिक काफूर, विकल्प सी नादिर शाह, विकल्प डी फायान। तो मित्रों इसका आंसर होगा विकल्प ए इब्न बतूता। देखिए इब्न बतूता एक मोरक्को का एक निवासी है। इब्न बतूता बेसिकली अफ्रीका के अंतर्गत एक मोरक्को जगह है, वहीं से आप बिलोंग करता है और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में यह दिल्ली आया था और इसने मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान दिल्ली में निवास भी किया था और उस समय शासक से संबंधित कई सारे इसने पहलुओं को देखा और इसके बाद इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को इल अस्टर्ड आइडियलिस्ट की संज्ञा दी, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ए इब्न बतूता। अगला प्रश्न है तुगलकाबाद फोर्ट बिल्ट बाय विच तुगलक रूलर, तुगलकाबाद का किला तुगलक वंश के किस शासक द्वारा बनाया गया था। आईएस 1991 में पूछा हुआ है इसीलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसके पूछने की संभावना प्रबल है। विकल्प ए गयासुद्दीन तुगलक, विकल्प बी मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प सी फिरोज शाह, विकल्प डी नादिर शाह। तो मित्रों तुगलकाबाद किले का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए जो गयासुद्दीन तुगलक है वह 1320 से 1325 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासक रहा है और इस दौरान इन्होंने तुगलकाबाद सहित कई सारे किलों का निर्माण किया था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है ड्यूरिंग विच रीन इब्न बतूता फ्रॉम मोरक्को केम टू इंडिया, किसके शासनकाल के दौरान इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था, फ्रॉम मोरक्को केम टू इंडिया, किसके शासनकाल के दौरान इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था। यह एसएससी और रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है और इसके विकल्प हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मित्रों जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में भी चर्चा की है कि इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था और उस दौरान इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर अध्ययन किया और इसके बाद ही मोहम्मद बिन तुगलक को एक आइडियलिस्ट किंतु संकीपन भरे कार्यों के लिए जाना जाने वाले शासक की संज्ञा दी थी। तो जाहिर सी बात है कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और हम पहले भी बता चुके हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351 ईस्वी का था और इब्न बतूता
1333 ईस्वी में दिल्ली आया था, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, ए टैक्सेशन सिस्टम कॉल्ड जजिया और नन मुस्लिम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर, मतलब किस शासक के शासन काल में जजिया नामक टैक्सेशन व्यवस्था की इजाद की गई, मतलब जजिया नामक कर व्यवस्था की शुरुआत किस शासक के दौरान किया गया या किस शासक के दौरान जजिया कर प्रणाली की शुरुआत हुई। यह प्रश्न कंबाइंड डिफेंस सर्विस 2002 में आया हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि जजिया कर की शुरुआत किसने की थी, ए फिरोज शाह तुगलक, बी गाजी मलिक, सी नसीरुद्दीन शाह, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो मित्रों, जो जजिया नामक कर है उसकी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। देखिए, तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक थे, 1320 से 25 ईस्वी तक वो सत्ता में रहे। उसके बाद फिर 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल आया। 1325 से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक रहे और 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक शासक बने, जो 1388 ईस्वी तक के शासक बने रहे। इस दौरान फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में जो भी इनके पूर्ववर्ती शासक द्वारा, जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो जितने भी प्रकार के कर प्रणाली चलाए गए थे, कुल मिलाकर 26 प्रकार के टैक्सेशन व्यवस्था थी उस समय, उन सबको खत्म करके इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने 4 प्रकार के करों की इजाद की, जजिया, जकात, खराज और खम्स। इसीलिए जजिया जो कर व्यवस्था है उसे लागू करने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को ही जाता है। जजिया के साथ साथ इन्होंने खराज, खस और जकात, ये जो कर व्यवस्था थी उसकी भी शुरुआत की थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, म्यूजिक सिस्टम बैंड बाय तुगलक सुल्तान, किस तुगलक शासक के द्वारा म्यूजिक सिस्टम को बैन किया गया था, ए गयासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज शाह, सी बलबन, डी अबू बकर शाह। तो मित्रों, जो म्यूजिक सिस्टम है उसे बैन करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, असिस्टेंट कमांडेंट 1994 में पूछा गया है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। विकल्प ए नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, विकल्प बी अबू बकर शाह, विकल्प सी मोहम्मद शाह तुगलक, विकल्प डी अलाउद्दीन सिकंदर शाह। तो मित्रों, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। देखिए, तुगलक वंश के संस्थापक तो गयासुद्दीन तुगलक थे, उन्होंने 1320 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, लेकिन जो इसके अंतिम शासक थे वे नसीरुद्दीन महमूद तुगलक थे। ये 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक ये शासक बने रहे हैं, और इसके बाद फिर 1412 ईस्वी के बाद फिर सैयद वंश की स्थापना हुई, तो तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक थे, इसके बाद फिर सैयद वंश आता है। अगला प्रश्न है, हु इंट्रोड्यूस्ड द पर्शियन फेस्टिवल नैरोज इन इंडिया, भारत में पर्शियन पर्व नैरोज किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी। IAS 1993 में पूछा गया प्रश्न है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस शासक ने पर्शियन फेस्टिवल नैरोज की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह, ऑप्शन डी इल्तुतमिश।
तो मित्रों, ईरानी पर्व नरोज की शुरुआत करने का श्रेय जाता है बलवन को। जब बलवन दिल्ली सल्तनत का शासक बना था तो इसने नरोज की शुरुआत की थी। इसके अलावा इन्होंने कई सारे ईरानी प्रथाओं की भी शुरुआत की थी, जैसे सिजदा, पैगोस, और इसके अलावा इन्होंने दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग की भी स्थापना की थी। तो बलवन ने अपने शासनकाल में कई सारे कार्य किए हैं, जिसमें एक नरोज प्रथा की शुरुआत भी एक है। इसीलिए नरोज की शुरुआत का श्रेय बलवन को जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, द ओल्डेस्ट माउंटेन इज, सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है? ए अजंता, बी ताजमहल, सी कुतुब मीनार, डी चार मीनार। मित्रों, जो सबसे पुरानी पर्वत निम्नलिखित विकल्पों में से चुनना है, तो इन विकल्पों में सबसे पुरानी पर्वत जो है वो अजंता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। क्योंकि देखिए, जो ताजमहल है वो तो मुगल वंश के दौरान ताजमहल की नींव रखी गई थी शाहजहां के द्वारा, तो इसका आंसर नहीं होगा। और कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के निर्माण का श्रेय आपका जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो दिल्ली सल्तनत का शासक था। और चार मीनार का भी निर्माण का श्रेय दिल्ली सल्तनत के शासकों को ही जाता है। तो लेकिन अब रह गया शेष अजंता। तो अजंता की जो माउंटेन है वो काफ़ी पुरानी है, इन सब दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश की सत्ता भी उस समय स्थापित नहीं हुई थी, इसी कारण इसकी आंसर हो जाएगा ए। तो मित्रों, आज हमने दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण अध्याय तुगलक वंश के बारे में हमने जानने की कोशिश की है। ये सारे उपर्युक्त प्रश्न किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इन सबको जानना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे आज ही शेयर करें और बने रहिए हमारे पीएससी ई-ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। हम शीघ्र ही आपके साथ नए वीडियो के माध्यम से जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।